अस्सलामुअलैकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि क्रेडिट बुक उधार एप्लीकेशन में बिज़नेस कार्ड कैसे बनाया जाता है। बिज़नेस कार्ड बिल्कुल उसी तरह होता है जिस तरह आप किसी भी कारोबार के लिए जो है विजिटिंग कार्ड बनाते हैं। बिज़नेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड एक ही चीज़ होती है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि उधार एप्लीकेशन में बिज़नेस कार्ड कैसे जनरेट करते हैं। ज़्यादातर उधार एप्लीकेशन जो होती हैं उनमें बिज़नेस कार्ड का ऑप्शन दिया गया होता है। क्रेडिट बुक उधार एप्लीकेशन के मेन्यू में जाएंगे, जहां से आप जो है मेन्यू में से बिज़नेस कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर जो देखें आपके सामने एक सैम्पल भी मौजूद है कि इस तरह से बिज़नेस कार्ड जो है जनरेट किया जाएगा। तो नया बिज़नेस कार्ड बनाने के लिए यहाँ नीचे जो प्लस का आइकन है उसके ऊपर आपने प्रेस करना है और उसके बाद यहाँ सबसे पहले जो है आपने अपने कारोबार का नाम लिखना है, अपने बिज़नेस का जो भी नाम है वो आपने यहाँ पे लिखना है। बिज़नेस का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो बिज़नेस ओनर है, जो बिज़नेस को चलाने वाला है वो अपना नाम यहाँ पे टाइप करेगा और इसके बाद जो है आपने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। आपका जो बिज़नेस मोबाइल नंबर है, जो कारोबारी मोबाइल नंबर है, वो यहाँ पे आप ऐड करेंगे। इसके बाद अगर कोई दूसरा मोबाइल नंबर आपके पास है, कोई अदर मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपका है, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे वाले खाने में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, पता यानी कि आपके कारोबार का जो एड्रेस है, आपकी जो लोकेशन है वो कौन सी है, किस जगह पे है, वो एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे। एड्रेस लिखने के बाद जो है आप यहाँ नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, नक्शे पर मुंतखब करें, यानी आप अपने इस बिज़नेस कार्ड जो है इसको गूगल मैप पर भी ऐड कर सक, जो नक्शा है गूगल मैप उस पर भी आप इसको शो कर करवा सकते हैं। इस तरह जो भी आपकी लोकेशन है वहाँ पर ये आपका बिज़नेस कार्ड शो होगा गूगल मैप में। और इसके नीचे सेव कार्ड का बटन है, सेव के बटन को प्रेस करके आप अपने बिज़नेस कार्ड को सेव कर लेंगे। अब इस बिज़नेस कार्ड को आप किसी के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, या इसको आप डाउनलोड करके किसी और तरीके से भी शेयर कर सकते हैं। और नीचे एक एडिट का बटन दिया गया है, इसको दबा के आप इस कार्ड को एडिट भी कर सकते हैं, इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर ये एक बटन दिया गया है डाउनलोड का, उसको दबा के आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और फिर इसको प्रिंट करवाएं, या इसको आप विजिटिंग कार्ड की तरह जो है इसके कार्ड भी बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।